बनाने में यूज करते हैं, केक बनाने में यूज करते हैं और बेकिंग की कई चीजों में हम इसका यूज करते हैं। तो हम आज बनाएंगे मार्केट जैसा दिखने वाला कंडेंस मिल्क। इसके लिए हमने लिया है 1 ग्लास वार्म वाटर है, इसे हमने हल्का गर्म कर लिया है। हमने 1 पिंच बेकिंग सोडा लिया है, 1 कप हमने इसमें मिल्क पाउडर लिया है, 1/2 कप हमने इसमें शुगर पाउडर लिया है। शुगर पाउडर आप हमारे घर में जो यूज की जाती है शुगर, उसे ग्राइंडर में पीस कर भी हम शुगर पाउडर बना सकते हैं। इसके लिए लिया हमने घी। तो आइए हम बनाना चालू करते हैं कंडेंस मिल्क। हमने एक बॉल लिया है, बॉल के अंदर हम मिल्क पाउडर डालेंगे। शुगर पाउडर डालेंगे, वन पिंच हम बेकिंग सोडा डालेंगे, और 1 टेबल स्पून हम, 1 टेबल से भी थोड़ा सा कम हम इसमें घी ऐड करेंगे। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा इसलिए डालेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े, गाढ़े ना पड़े। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम हैंड बीटर से। थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसके अंदर हमारा 1/4 कप हमारा इसमें ग्लास पानी लगा है। अब हमारा ये बैटर बन गया है। अब हम इसे कढ़ाई में ट्रांसफर कर देंगे। अब हमने ये कढ़ाई ले ली है और अब इसके अंदर हम अपना ये बैटर है जो उसे ट्रांसफर करेंगे। अब ये हमारे जो हमने बनाया था कंडेंस मिल्क, इसमें एक बॉईल आ गया है और ये काफी थिक होने लगा है। इसे 2 से 3 मिनट लगा है। अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, इसे बाहर निकाल लेंगे हम गैस की फ्लेम को ऑफ करके। अब हमारे कंडेंस मिल्क को हमने एक बॉल में ट्रांसफर कर दिया है। अब हम इसे ठंडा करेंगे ताकि ये काफी थिक हो जाए। इसे हम थोड़ी देर फ्रिज में रख देते हैं। अभी हमारा कंडेंस मिल्क बनके रेडी है। ये काफी थिक हो गया है, इसे हमने फ्रिज में रख दिया था 5 से 7 मिनट तक। मार्केट में ये काफी कॉस्टली बनता है और हम इसे घर में बनाए तो काफी अच्छा बन जाता है, ज़्यादा बन जाता है और कम कॉस्ट में बनता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।